प्रिय छात्रों, सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के पाठ 1 विनय के पद तुलसीदास जी द्वारा रचित को पढ़ेंगे। इसमें तुलसीदास जी का जन्म राजापुर जिला के बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसीता। तुलसीदास जी का बचपन घोर संकट में बीता। इनके गुरु का नाम नर हरिदास और पत्नी का नाम रत्नावली था। ये भक्ति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। पत्नी की प्रेरणा से ही प्रेरित होकर इन्होंने अपनी रचनाएं की और भक्ति में लीन हुए। इनकी प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कृष्णावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल आदि है। इसमें से ये विनय के पद में से लिए गए पद हैं जिन्हें अपन आज पढ़ रहे हैं। पद। जाके प्रिय न राम वेदेही, ताही तजी कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही। इसमें तुलसीदास जी ने जो श्री राम से प्रेम नहीं करते हैं उन्हें करोड़ों शत्रुओं के समान समझकर त्यागने के लिए कहा है। तजियो पिता पहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी, बलि गुरु तजियो कंत ब्रज बनीतन भय मुद मंगल कारी। उन्होंने इन्हें उदाहरण के द्वारा समझाया है। जैसे कि पहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का त्याग किया, विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग किया, भरत ने अपनी माता कैकेयी का त्याग किया, बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग किया और ब्रज की स्त्रियों ने ईश्वर भक्ति न करने के कारण अपने पति का त्याग किया और वे ईश्वर भक्ति में लीन हुए, अपने जीवन को मंगलकारी बनाया। नाते नहीं राम के मनियत सुहृदय सुसेवे जहां लो, अंजन कहां आखिन जई फूटे बहुत कहां कहां लो। जिनका राम से कोई नाता नहीं है, प्रेम नहीं है, उनसे हमें मित्रता के भाव भी नहीं रखना चाहिए, उनसे हमें सारे संबंध तोड़ देना चाहिए। ऐसे काजल को आंखों में लगाने से क्या लाभ, जिससे हमारी आंखें ही खराब हो जाए। तुलसी सो सब भाती परमित पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो ही स्नेह राम पद एतसो एतो मतो हमारो। तुलसीदास जी कहते हैं वही हमारे परम स्नेही हैं, परम हितकारी हैं, प्राण ते भी प्यारे हैं, जिनका कि राम के चरणों में ध्यान है, ऐसा उनका मत है। तो हमें ईश्वर भक्ति में लीन रहकर उनसे ही प्रेम करना चाहिए। अब लो नसानी अब न नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुनी न डसे हूँ। अब तक मैंने जीवन का मूल्यवान समय नष्ट किया है, अब आगे मैं इस समय को नष्ट नहीं करूँगा। भगवान की कृपा से जो मेरी दुख रूपी अंधकार रूपी जो रात थी वह बीत गई है, अब मैं जाग गया हूँ। फिर से इस मन को माया मोह के जाल में फंसने नहीं दूंगा। पायो नाम चारु चिंता मणि, उर करते ना खसे हूँ। मैंने राम रूपी चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है, उसे अब अपने हृदय से दूर नहीं होने दूंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित कंचन ही कसे हूँ। श्याम को मैंने सोना बनाकर अपनी काया को कसोटी पर कस लिया है और अब इसे अपने हृदय से दूर नहीं होने दूंगा। पर बस जानी हसियो इन इंद्री निज बस एना से हूँ। आज तक मेरी इंद्रिया दूसरों के बस में थी, पर बस थी तो ये मुझ पर हंसती थी, अब इनको मैंने अपने बस में कर लिया है, अब मैं इन्हें अपने ऊपर हंसने नहीं दूंगा। मन मधुकर पन कर तुलसी रघुपति पद कमल बसे हूँ। मन रूपी भौरे को अब मैंने राम रूपी नाम का रसपान करा दिया है, अब मैं अपना ध्यान राम के चरणों में ही लगाऊंगा, उसमें ही अपना निवास करूंगा। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने अपनी एक निष्ठता का परिचय दिया है। वे कहते हैं जिन्हें राम
और सीता प्रिय ना हो उन्हें पूर्ण रूप से त्याग देना ही उचित है। इन्होंने इसमें उदाहरण भी दिए हैं, प्रहलाद का, विभीषण का, भरत का, बलि का, गोपियों का। इस प्रकार से जैसे उन्होंने ईश्वर भक्ति ना करने के कारण अपने परिवारजन का त्याग कर दिया। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने मीरा के पत्र के उत्तर में मीरा को यह भेजा था, जब जाके तभी सवेरा की भावना से परिपूर्ण दूसरे पद में तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है कि राम की कृपा से संसार की माया मोह रूपी रात्रि समाप्त हो गई है, अब राम की शरण प्राप्त हो चुकी है, उनके चरणों में अपना ध्यान लगाना है। जीवन की सार्थकता का प्रतिपादन कर कवि ने राम के प्रति किए गए समर्पण में ही अपने मन को रमाने के लिए कहा है। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये सब समझ में आया होगा।